मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री भले ही भजन लाल शर्मा को बनाया गया हो, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से लेकर सचिवालय तक सिर्फ महारानी दिया कुमारी की ही चर्चा हो रही है। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जैसे ही सचिवालय में कामकाज के लिए कक्ष आवंटन की बात हुई तो दिया कुमारी ने अपने लिए 3103 नंबर का कमरा चुना। इसके बाद बात हो रही है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि यहाँ पहले सचिन पायलट बैठे और अब दिया कुमारी बैठने वाली है। पिछले कई चुनावों में राजस्थान में जब भी नई सरकार बनी, सचिवालय का कमरा नंबर 3103 हमेशा सुर्खियों में रहा और इस बार इस कमरे के बाहर दिया कुमारी की नेम प्लेट लग चुकी है। लेकिन यह कमरा कोई आम कमरा नहीं है, बल्कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत इसी कक्ष में बैठा करते थे, इसलिए यह कक्ष ओल्ड CMO कहलाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब गहलोत सरकार में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें भी यही कक्ष दिया गया था, जिसके बाद यह कमरा और सुर्खियों में आ गया था। इसके अलावा राजस्थान सचिवालय का कमरा 3103 सियासत के केंद्र के तौर पर भी माना जाता है। सियासी जानकारों के मुताबिक भैरव सिंह शेखावत ने इसी कमरे में बैठकर सरकार चलाई थी, जिसके बाद गहलोत ने भी बतौर मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल यहीं गुजारा था। राजस्थान सचिवालय में दिया कुमारी को आवंटित कमरा नंबर 3103 को लेकर कई मिथक भी हैं। सियासी जानकार इसे शुभ अशुभ से भी जोड़ते हैं। जानकारों का मानना है कि शेखावत ने इस कमरे से लंबे समय तक सरकार चलाई और उनके खिलाफ आने वाले सियासी मुश्किलों को भी संभाला था। वहीं जब यह कमरा सचिन पायलट को मिला तो वह लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे, जिस कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद खोने पड़े थे। लेकिन यह कमरा अब महारानी दिया कुमारी के लिए कितना शुभ होगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा से पहले दिया कुमारी भी CM के रेस में आगे माने जा रही थी। ऐसे में वो पायलट की तरह विवादों में घिरी रहेगी या भैरव सिंह शेखावत की तरह सियासी मुश्किलों को दूर कर पाएगी, ये देखना बेहद रोचक होगा। News Report India.com।